एग्जाम कैसा हुआ सबका? ज्योत्सना तुम्हारा तो शायद नहीं था। नहीं सर, हम मेडिकल वाला टेस्ट दिए सर। कल था? अच्छा, ये तो कभी भी खुला रहता है, जब मन करो तब दे दो। वो तो है। जैसे लाइव होने का एक टाइम रहता है ना, कुछ दिन लाइव होता है। बाकी लोग, अरविंद, अद्वैय, पेपर तो फिर वही छोटा मोटा गलती कर दी है। का छोटा मोटा गलती कभी ठीक होगा, बड़ा गलती रहता है कोई बात नहीं है, छोटा गलती बहुत भयंकर होता है। छोटा गलती जो होता है वो ब्लंडर मिस्टेक है। क्या आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाए तो उससे बुरा और क्या होगा। नहीं आता है, नहीं बना, वो अलग बात है। ठीक है, तो उन सब चीज पे मेहनत करो गलती नहीं करने का। जैसे एक्यूरेसी मेंटेन रखना है, ठीक है। तो हम लोग फ्लूइड देख रहे थे, तो फ्लूइड में हम लोग का स्टैटिक पोर्शन सर था, अब जो है डायनेमिक। हाँ, सब बताया नहीं, कौन सा क्वेश्चन बता बनाना है आयरोडोस से। किससे? अच्छा, आयरोडोस से ठीक है, उसको देखना पड़ेगा, देख के बता देंगे। उसमें सब तो बनाने लायक नहीं है, कुछ है तो एक बार देख के बता देंगे, याद दिला देना एक बार। ठीक है, मैसेज कर देना हमको, फिर तो देखेंगे तो याद आ ठीक जाएगा। है पहले सर। भी शायद हम बोले थे, भूल गए थे। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे फ्लूइड। तो फ्लूइड में हम लोगों ने स्टैटिक पोर्शन देखा था अभी तक, जिसमें जो लिक्विड था वो रेस्ट पे रहता था, यानी कि लिक्विड एज रिस्पेक्ट टू कंटेनर हम लोग देखें तो रेस्ट पे रहा, भले कंटेनर को मूव करा दिए, कुछ भी करे, तो उन सबको हम लोग स्टैटिक पोर्शन में ही रखे, क्योंकि लिक्विड जो था वो रेस्ट पे था। ठीक है, अब जो है डायनेमिक शुरू करेंगे हम लोग। डायनेमिक्स पोर्शन जो होगा, यानी कि इस केस में क्या होगा कि जो भी लिक्विड रहेगा मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर होगा, कंटेनर के रिस्पेक्ट में ये मूव कर रहा होगा। ठीक है, और जो रियल फ्लूड है, वाटर कोई भी फ्लूड जो रियल होता है, उसका बिहेवियर थोड़ा अलग ही होता है। हम लोगों ने शुरू से कुछ एजम्पशंस मान के चले हैं, तो उस एजम्पशंस को यहाँ भी हम लोग मानेंगे ही। एक तो इनकम्प्रेसिबल, यानी कि डेंसिटी हर जगह सेम, फिर नॉन विस्कस, विस्कोसिटी को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, यानी कि विस्कोसिटी होता है, बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑफ फ्लूड एक तरीके से, कि सरफेस ऑफ जो लिक्विड होता है उसके लेयर के बीच में लग रहा होता है, तो उसको हम लोग फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड बोल सकते हैं, क्योंकि तो वैसा ही उसका बिहेवियर होता है। तो हम लोग नॉन विस्कस मानेंगे, यानी कि सब वैसा, उस फ्रिक्शन को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे। और देखते हैं, तो डायनेमिक्स में हम लोग को पढ़ना है कि फ्लूइड मूव कर रहा होगा, यानी लिक्विड मूव कर रहा होगा। तो इसमें पहले, सबसे पहले टाइप ऑफ फ्लो के बारे में हम लोग देखते हैं। टाइप ऑफ फ्लो, ठीक है, किस किस तरीके का फ्लो हो सकता है। इसमें मोस्टली हम लोग दो तरीके पढ़ते हैं। फर्स्ट स्ट्रीम लाइन, या फिर लिनियर बोल लो। ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लिनियर फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो हम लोग ऐसे फ्लो को कहेंगे जिसमें अगर हम कोई एक पॉइंट ले लें, तो उस पॉइंट पे जब भी कोई भी लिक्विड आ रहा है मूव करता हुआ, तो उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी कि उसके स्पीड प्लस डायरेक्शन सेम रहना चाहिए। जैसे
कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक आर्बिट्री ऐसा ट्यूब है, ऐसा कुछ, अगर हम इसमें ऐसा इसमें पानी बह रहा है, ऐसा पानी बह रहा है इसमें, ठीक है, पानी है कोई भी लिक्विड है इसमें बह रहा है, अगर हम यहाँ पे ये एक एरिया हम यहाँ पे रिज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी अगर जैसे कोई भी लिक्विड यहाँ से जब पास कर रहा है, यानी कि ये वाला पोर्शन पास किया हो, ये वाला पोर्शन या अभी यहाँ हो या पिछला ये पास करेगा, तो हर का वेलोसिटी यहाँ पे भी हो, इस पोजीशन पे वेलोसिटी वी हो, यानी कि उस पोजीशन पे उसका स्पीड प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो ऐसे फ्लो को हम लोग बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो या फिर लिनियर फ्लो, ठीक है। यानी कि एट एनी पॉइंट किसी एक पॉइंट पे वेलोसिटी, वेलोसिटी कह रहे हैं यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। किसी एक पॉइंट पे जो भी लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा बह रहा है तो हम ऐसे पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो है, या फिर पाइप है ऐसा टेढ़ा पाइप, हो सकता है ऐसा पाइप है, तो इसमें भी अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो हो रहा है तो इसमें भी हम ऐसे पैरेलल ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ से ऐसा, ठीक है ना। कैसे अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हम लोग बोल रहे हैं कि स्ट्रीमलाइन फ्लो, किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ का वाटर इसी पाथ से ऐसा ही फ्लो करा होगा, यानी कि उसका वाटर का जो फ्लो का पाथ है वो सिमिलर होगा। ऐसा कह सकते हो कि पहले आगे वाला जो फ्लूड जैसा गया वैसे ही पीछे वाला फ्लूड भी उस जगह से पास करेगा, यानी कि जैसे सैनिक मूव कर रहे होते हैं लाइन से, फर्स्ट वाला जैसा गया वैसे ही सेकेंड गया, उसी तरीके से यहाँ पे पानी भी बह रहा होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो। और एक होता है सेकेंड टर्बुलेंट, ठीक है, यानी कि हवा अगर नहीं चल रहा हो, हम आग जलाए हो तो जो धुआं निकल के एकदम सीधा सीधा बढ़ रहा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की तरह जा रहा है, वही अगर हवा चल रहा हो तो जो धुआं जो उठता है तो हिलता डुलता इधर उधर होता है तो टर्बुलेंट की तरह कहलाए। जैसे कि मान लेते हैं कि ये पाइप था हमारा, इसमें पानी बह रहा है, ऐसा बह रहा था, सीधा सीधा बह रहा था, लेकिन अगर हम इसी में यहाँ पे कोई पत्थर रख दें, ठीक है, ये स्टोन रख दें, तो इधर की तरफ तो ये ठीक रहेगा, लेकिन यहाँ वाला पानी अगर देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इस वाले रीजन में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि अगर मान लेते हैं पानी भरा है, वहां हम पत्थर रख दिए, तो उसके पत्थर के जस्ट बाद यानी कि पुल पे गए होंगे तो पुल के खंबे के पास देखते हैं तो पानी जो होता है ऐसा गोल गोल घूमता हुआ फिर आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो वैसे को ऐसा जो होता है इसका कोई भी फिक्स डायरेक्शन कुछ नहीं रहता है तो इसको बोलते हैं हम लोग टर्बुलेंट। आंधी तूफान आता है तो उसमें जो हवा जिस तरीके से गोल गोल घूमता हुआ जाता है वैसा अगर सेप रहता है तो हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो और ये टर्बुलेंट फ्लो। अपना जो नल है, नल भी अगर हम खोलते हैं तो अगर थोड़ा सा धीरे अगर खोले हो ऐसा रहता है, ठीक है, ये नल है, अगर हम इसको स्लो खोले हो तो देखते हैं तो पानी जो है ऐसा बाहर आता है, ठीक है, ऐसे चला जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट दिख रहा होता है। इनिशियली हम लोग देखते हैं तो ट्रांसपेरेंट मोटा सधार जैसा हम लोग को दिखता है कि पानी इससे गिर रहा है, तो ये जो है एकदम सीधा सीधा गिर रहा होता है, ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखता है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन है।
स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेकिन वही हम इसका स्पीड अगर हम बढ़ा दें, यानी कि नल जो है इसका ये जो हम पूरा खोल देते हैं, तब जो पानी गिरता है ऐसे पूरा एकदम तेजी से गिरता है और इस समय व्हाइटिश टाइप का दिखता है हमको, उस समय हम लोग बोलते हैं टर्बुलेंट, यानी कि एक जैसे सीक्वेंस में एक अच्छा सा नहीं बह रहा। तो फ्लो में हम लोग देख रहे हैं कि पानी इस दो तरीके से बह सकता है, या तो स्ट्रीमलाइन यानी कि एकदम अच्छे से वो फ्लो कर रहा होगा, स्ट्रीमलाइन देखते हैं तो सीधा सीधा एकदम बह रहा होता है, लेकिन अगर टर्बुलेंट बोलते हैं तो टर्बुलेंट से बात समझ में आना चाहिए कि जो पानी है या फिर कोई सा भी फ्लूइड है वो उसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है मूव करने का, स्पीड बढ़ घट सकता है किसी एक पॉइंट का, और उस पॉइंट पे हम लोग देख सकते हैं कि उसका स्पीड का डायरेक्शन ये सब चेंज होते रहेगा। तो इस चीज को बोलते हैं टर्बुलेंट और इसको बोलेंगे स्ट्रीमलाइन। अब ये पढ़ने का हमारा पर्पस यही था कि हमारा जो डायनेमिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसमें हमको जो एजम्पशंस करने हैं, तो उसमें एक ये भी एजम्पशंस है कि हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्ट्रीमलाइन के लिए ही पढ़ना है, टर्बुलेंट के लिए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो टर्बुलेंट हम लोग को नहीं पढ़ना, जो भी सिंपल केसेस है वही पढ़ना है। तो एजम्पशंस क्या क्या है फिर से एक बार लिख ले रहे हैं, क्या क्या एजम्पशंस करना है। तो फर्स्ट हमको देख रहे हैं, पहले से जानते हैं कि हम लोग इनकम्प्रेसिबल मानेंगे, ठीक है। सेकंड नॉन विस्कस, थर्ड ठीक है, थर्ड जो अभी हम देखे स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। ये चीज हमको मान के इस चैप्टर को पढ़ना है, यानी कि इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और स्ट्रीमलाइन फ्लो होना चाहिए। सिंपलर केस हो जाएगा, सिंपल टच केस हमको पढ़ना है। इसमें हम लोग को जो फर्स्ट टॉपिक है वही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है। यानी कि जो भी पढ़ेंगे ध्यान रहे स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही है, टर्बुलेंट के लिए ये नहीं, ठीक है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं फॉर स्ट्रीमलाइन, ठीक है। स्टेटमेंट इसका क्या है, तो इट स्टेट्स दैट फॉर लिनियर फ्लो ऑफ फ्लूइड मास एंटरिंग, या फिर बोल सकते हैं कि जो मास रहेगा किसी एक पॉइंट पे, जो जितना मास फ्लो करेगा विल बी इक्वल एट एनी अदर पॉइंट इन सेम टाइम इंटरवल। अगर हम सेम टाइम इंटरवल पे देखते हैं किसी भी दो पॉइंट पे, तो जितना भी मास फ्लूइड फ्लो करा होगा वो बराबर हुआ होगा, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं इस स्टेटमेंट से लिख रहे हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसा पाइप है और इसमें फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, यानी कि लिक्विड ऐसा बह रहा है। हम ये दोनों एंड को ही कंसिडर कर रहे हैं, इसका एरिया ए वन है, इसका एरिया ए टू है। यहां से मान लेते हैं ये कह क्या रहा है कि अगर ये मान लेते हैं ट्यूब जो है पूरा फुल होता और अगर हम लोग यहाँ पे कुछ वाटर इसमें पुट करते तो दूसरे एंड पे उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर बाहर जाएगा, ठीक है।
यानी कि अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर 1 लीटर 1 केजी अगर वे मास बोल रहा है तो मास के टर्म में बोल रहे हैं, यहाँ पे अगर ये पूरा फुल है और यहाँ 1 केजी अगर हम इन करेंगे तो यहाँ से जो आउट आएगा वो भी 1 केजी वाटर ही बाहर आएगा, ठीक है। यानी कि अगर फ्लूइड जो है पूरी तरीके से फुल है, तो अगर ये फ्लूइड इस ट्यूब में हम जो भी रखे हैं कहीं भी स्पेस नहीं बचा हुआ है, तो एक एंड पे अगर हम मान लेते हैं 1 लीटर 2 लीटर या केजी में बोले तो 1 केजी 2 केजी अगर हम लिक्विड को इन करेंगे तो दूसरे एंड से उतना ही बाहर निकलेगा, बीच में कहीं रह तो जाएगा नहीं क्योंकि स्पेस है नहीं। यानी कि यही चीज कहा गया है कि अगर फ्लो कर रहा है तो एक किसी भी क्रॉस सेक्शन हम कहीं का बात करें, इस एंड का बात करें, बीच में यहाँ का बात करें या फिर यहाँ का बात करें, कहीं भी सेम अमाउंट ऑफ मास फ्लो करेगा सेम टाइम इंटरवल, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है, ऐसा है या फिर ऐसा है, ठीक है। यानी कि ऊपर पहले चौड़ा है और फिर बाद में जाके थोड़ा पतला हो गया, क्रॉस सेक्शन दोनों का अलग है, यहाँ पे हम बोल दे रहे हैं A1 है, यहाँ का बोल दे रहे हैं A2, इसमें ऐसा लिक्विड भरा, ये लिक्विड इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इसमें भी ये लिक्विड मान लेते हैं इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसको कैसे देखेंगे, तो ये लॉ यही कहता है कि जितना मास इन हुआ उतना ही आउट होगा। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे, यानी कि यहीं का अगर हम बात करें, इतना दूर का अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से जितना भी वाटर आया होगा वो सारा का सारा इधर गया होगा, नहीं तो वहां तो स्पेस है नहीं, स्पेस है नहीं तो वहां पानी इकट्ठा होगा तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगा और पाइप फट जाएगा, ऐसा होगा। लेकिन ऐसा अगर नहीं हो रहा है, पानी फ्लो होते जा रहा है, तो जितना भी मास आया है वहां पे वाटर का वो सारा का सारा बाहर कर गया होगा, तो इसी चीज को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और इससे जो इक्वेशन आएगा देखते हैं क्या आएगा, हम ऊपर वाले फिगर को ही ले रहे हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे स्पीड V1 है और यहाँ पे उसका स्पीड V2 है। V1 स्पीड से चला, हम डेल्टा टी टाइम के लिए देख रहे हैं, तो ये V1 छोटा सा हम टाइम ले रहे हैं ताकि हमको एक स्ट्रेट पाथ दिखे, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि छोटे से देर में ये V1 डेल्टा टी चला होगा, वैसे ही यहाँ पे ये चला होगा V2 डेल्टा टी। तो यहाँ से मास M1 जो है वो मास M2 के बराबर होना चाहिए, तो मास कैसे लिखेंगे, डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम दिख रहा है कि यहाँ से A1 V1 dT, यहाँ पे बाद में देखेंगे तो A2 V2 dT, तो रो डीटी कट गया, यहाँ ध्यान से देखो तो A1 V1 = A2 V2 दिख रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। कहाँ से आ रहा है, तो ये मास से ही आ रहा है कि अगर पानी फ्लो कर रहा है तो एक एंड पे जितना मास मूव करा होगा उतना ही दूसरे एंड पे भी मूव करा होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम डेंसिटी अलग अलग भी करते हैं, यहाँ से अगर रो 1 बोल देते हैं या रो 2 बोल देते हैं, तब भी यहाँ से अगर मास M1 होता तो इधर की तरफ मास M1 ही, यानी कि इधर भी उतना ही मास बाहर आया होता। तो इस केस में अगर डेंसिटी अलग है तब लिखते, तो यहाँ पे क्या लिख ले सकते थे, rho1 a1 v1 = rho2 a2 v2, ठीक है, इस केस में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है, मोस्टली केसेस में हमको जो मिलेगा यही चीज मिलेगा कि सेमी लिक्विड को फ्लो करा रहे होंगे हम, कोई भी पाइप देगा तो बोलेगा वाटर फ्लो करा रहे हैं, कुछ भी फ्लो करा रहे हैं, तो उसका डेंसिटी फिक्स रहेगा, तो 90-95% केसेस में हमको A1 V1 = A2 V2 यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका एप्लीकेशन अगर ध्यान से देखें
डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वही नल का बात करते हैं, तो नल जो है हमारा, ऐसा अगर हम ओपन करें इसको, ठीक है, इसको ओपन किए तो अगर हम ध्यान से देखते हैं, थोड़ा चौड़ा बना रहे हैं, ठीक है, नल है। जब ओपन करते हैं तो यहाँ से जब पानी को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करे होगे, तो ऐसे नीचे जाते जाते ये जो है ऐसा पतला होते जाता होगा, होते जाता है। हम स्ट्रीम लाइन का ही बात कर रहे हैं, टर्बुलेंट का बात नहीं कर रहे हैं। नल अगर हम ओपन करते हैं तो ये जो है ऊपर चौड़ा दिखता है, और जब व्हाइट कलर का जो हमको ट्रांसपेरेंट टाइप का दिखता है, उस समय का बात कर रहे हैं, तो देखोगे कि तो नीचे जाते जाते उसका एरिया घटते जाता है, यानी वो पतला होते जाता है। रीजन क्या है? तो यहाँ से जितना मास निकला होगा वही यहाँ पे पहुंचा होगा, किसी टाइम पे यहाँ से जितना वाटर आया वही कुछ देर के बाद नीचे गया है। तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर इसका स्पीड v नॉट है, इसका एरिया अगर a है, स्पीड v नॉट है, एरिया a है, डेंसिटी है, तो यहाँ पे मास निकला होगा रो a v नॉट इनटू डेल्टा t टाइम में, तो इतना मास बाहर आया होगा। जब वो इतना हाइट नीचे चला गया, h हाइट नीचे, तो यहाँ का उसका जो वेलोसिटी होगा, तो हम बाकी सबको कंसिडर नहीं करके छोटे से मास को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, तो dm मास को यूज कर सकते हैं। यहां से हम लिख सकते हैं कि v नॉट प्लस जी टी, या फिर उसको यूज कर लेते हैं, एच हाइट है तो v स्क्वायर को लिख सकते हैं हम अंडर रूट v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh। ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले रहे हैं कि v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो इतना वेलोसिटी हो गया है, यानी कि इतना हाइट नीचे आया इतना वेलोसिटी बढ़ गया होगा। तो यहाँ का मास तो ये था, यहाँ का मास अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मास मिलेगा कि रो एरिया ए ले लेते हैं, वेलोसिटी ये हो गया इनटू डीटी, ये दोनों आपस में सेम होने चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, इम्प्लाइज डेट कि ए वी नॉट, वही ए वन वी वन हम यूज कर सकते थे डायरेक्टली, ए रूट अंडर v नॉट स्क्वायर प्लस 2gh, यानी कि इज इक्वल टू यानी कि अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो जो पानी गिरा नीचे जाते जाते उसका एरिया घट जा रहा है। एरिया घटने का रीजन क्या है? तो जैसे पानी नीचे जा रहा है उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, मास कांस्टेंट रहना है तो मास कांस्टेंट रहना है, यानी कि ऑफकोर्स उसका एरिया कम होना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको बोल सकते हैं ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू से रिलेट करें, तो यहां से हमको दिख रहा है कि ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चीज दिख रहा है, एरिया इंटू वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है। यानी कि यहाँ से हमको क्या दिख रहा है, स्प्रिंग लोड होगा तब क्या? हेलो, स्प्रिंगलर क्या बोल रहे, क्लियर नहीं है आवाज अद्वे, सुनाज आपका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा है क्या? अरे आपका आवाज भी क्लियर नहीं आ रहा सर, अद्वैत का भी क्लियर आ रहा था मेरे को सर, तुम्हारा भी तो कट ही रहा है। क्या बोला फिर, स्प्रिंकलर क्या होता है वो? स्प्रिंकलर वो जो छिड़कने के लिए यूज करते हैं, वही ना? यस सर, कुछ कुछ नल उस टाइप का रहता है, ऐसे हम लोग का कोचिंग में भी था वैसे। हाँ, के पास समझ गए, ठीक है, तो आएगा आगे, ठीक है, उसको भी हम लोग देखेंगे कैसे वर्क करता है। फिलहाल हम लोग क्या हुआ, 2 सेकंड के लिए एक बार ऊपर कीजिए ना ये स्क्रीन।
स्प्रिंकलर वाला केस भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या होता है, वहां पे प्रेशर डिफरेंस भी आएगा, बर्नौली इक्वेशंस में लगेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग और हर केस में देखेंगे कि स्ट्रीम लाइन को, वहां भी हम लोग स्ट्रीम लाइन का केस ही डिस्कस करेंगे, रियल से एकदम अलग। ठीक है, तो फिलहाल हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि ए भी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी कि एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगा उस जगह पे हमको दिख रहा है कि एरिया जो हो रहा है कम हो रहा है, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां एरिया कम। इसका और एग्जांपल क्या है? ठीक है, तो इस चीज से अगर हम ध्यान दें तो अगर हम गार्डन में पानी डालते हैं पाइप से, तो देखोगे कि अगर पाइप का मुंह को अगर हम कम कर देते हैं यानी कि दबाते हैं, तो उसका एरिया कम हो जाता है, तो स्पीड बढ़ जाता है, ज्यादा तेजी से पानी निकलने लगता है। ठीक है, तो इसका रियल लाइफ में बहुत जगह यूज होता है कि जहां भी अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा हो तो एरिया और वेलोसिटी में अगर रिलेशन देख रहे हैं तो एरिया जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है। यानी कि अगर हम किसी भी फ्लो के लिए हम अगर वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं जो कॉन्स्टेंट फ्लो कर रहा था किसी पॉइंट पे, या एरिया हम घटा रहे हैं तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों में इनवर्स का रिलेशन होता है। पाइप वाला केस को आसानी से समझ सकते हो कि अगर हम लोग मान लेते हैं गार्डन में पानी डाल रहे होते हैं या बाइक धोने के लिए कैसे भी पाइप से पानी यूज करते हैं, तो उसके मुंह को पकड़ के अगर दबाते हैं यानी जहां से पानी निकल रहा होता है उसको हम प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि एरिया उसका घट जाता है, तो वहां से दिखता है कि पानी ज्यादा तेजी से निकलने लगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यही चीज था मान लेते हैं कैसा एरिया कम कर दिए, यहाँ का स्पीड V1 बोल रहे हैं, यहाँ का स्पीड V2 बोल रहे हैं, तो यहाँ से V2 जो होगा ग्रेटर देन V1 क्योंकि दिख रहा है कि यहाँ से A1 है A2 है, तो सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2 यानी कि V2 जो होगा ग्रेटर देन V1 होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सोचो क्या होता कि यहाँ से जो भी लिक्विड आता और यहाँ से अगर कम लिक्विड निकलता तो यहाँ पे बीच में लिक्विड इकट्ठा होना चाहिए था। अगर इकट्ठा होते रहेगा वैसा तो वहां पे पाइप जो होगा, पाइप के पास दिखेगा कि पानी ज्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो पाइप जो है ब्रस्ट करने के चांसेस बढ़ जाएगा, अगर जितना पानी आया उतना बाहर नहीं जाएगा, उसका भी कैपेसिटी है, अगर जितना मैक्सिमम भर सकता था भर गया, अब अगर लिक्विड आएगा अगर वो बाहर उतना नहीं गया तो वहां पे पाइप फटने का चांसेस ज्यादा हो। तो वही चीज होता है कि अगर हम पाइप से अगर पानी डाल रहे होते हैं तो इसका एरिया अगर घटा देते हैं तो ज्यादा दूर तक जाता है, नहीं कहा वहां पे स्पीड उसका बढ़ा दिए होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, कहीं भी अगर स्ट्रीमलाइन फ्लो है तो उसके लिए हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रीमलाइन फ्लो में हमको दिख रहा है कि अगर कोई भी लिक्विड फ्लो कर रहा है तो किसी भी पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो A1 V1 is equal to constant होगा, यानी कि A is inversely proportional to velocity होगा। ठीक है, ये चीज आगे भी यूज होगा। नेक्स्ट है बर्नौलीज थ्योरम, इस चीज को देख लें। बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है, इसके ऊपर एक जोक भी था, बर्नौल एक आता है घावों पे लगाने के लिए, तो एक बार एग्जाम में आया कि बर्नौलीज थ्योरम क्या है, तो वो लिखा था एनर्जी कंजर्वेशन, जो वो तो है ही, जैसे हम जोक बोल रहे हैं, तो बर्नौली थ्योरम में वो लिखा था जो जले कट्टे पे लगाते हैं उसको बर्नौली बोलते हैं। ठीक है, बर्नौली से खैर,
बर्नौलीज थ्योरम जो होता है ये बेस्ड होता है एनर्जी कंजर्वेशन पे, ठीक है, कैसे होगा अभी देखेंगे, बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो कर रहा होगा तो उसमें जो पानी फ्लो कर रहा होगा उसके पास कुछ एनर्जी होगा तो उसी पे बेस्ड। तो एक एक करके हम पहले एनर्जी डिस्कस करते हैं फिर थ्योरम लिखेंगे। तो यहाँ पे एनर्जी, ठीक है, पहला हम काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कि कोई भी ऐसा पानी बह रहा है, अगर हम लिक्विड का यहाँ पे अगर छोटा सा एक एरिया कुछ मान लें या फिर इतना छोटा सा अगर हम मास ही मानते हैं, डीएम मास लिखते हैं, इसके पास वेलोसिटी अगर वी हो तो इसका जो अगर हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो ये लिखेंगे हाफ डीएम वी स्क्वायर, ठीक है, और मास को क्या लिख सकते हैं, रो इनटू वॉल्यूम, यस सर, तो आल्सो डीएम को हम क्या लिख सकते हैं, रो इनटू छोटा सा वॉल्यूम है तो डीवी, ठीक है, ये क्या है वॉल्यूम है, दो दो वी यूज हो रहा है तो ये वॉल्यूम। तो सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हमको डिफाइन करना हो तो यहाँ से ध्यान से देखो हाफ रो वी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का अगर हम देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो हमको दिख रहा है कि ये हाफ रो वी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट एनर्जी। और इसके पास क्या हो सकता है एनर्जी, तो हो सकता है कि ये पाइप जो है एक लेवल पे नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है, यानी कि अगर हम ग्राउंड लेवल से देखते हैं तो ये मान लेते हैं ग्राउंड सरफेस होता, यहाँ पे पाइप है, ये हाइट इसका एच वन है बोल दे रहे हैं और ये हाइट इसका एच टू है, तो अगर ग्राउंड लेवल से एच वन एच टू हाइट पे है तो इसके पास मास है तो पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, तो यहाँ पे अगर हम छोटा सा मास ले और यहाँ पे अगर हम मास ले या कहीं भी ले किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम मास लेते हैं एच पॉइंट पे तो ये डीएम मास हो गया, तो इसका इसके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो लिखेंगे एम जी एच। फिर से अगर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिखेंगे तो यहां से हमको दिख रहा है रो जी एच, ठीक है, तो ये चीज हमको दिख गया कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम देखेंगे तो ये रो जी एच मिल रहा है, क्योंकि अब लिक्विड फ्लो कर रहा है तो हम लोग जनरली उसका पर यूनिट वॉल्यूम में ही बात करेंगे, ठीक है, तो इसलिए अगर हम एक यूनिट वॉल्यूम के लिए बात कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच यूज कर सकते हैं। तीसरा एनर्जी जो यूज करते हैं हम लोग प्रेशर एनर्जी, ठीक है, थर्ड एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं वो प्रेशर एनर्जी, ठीक है, जैसे इसमें क्या है कि मान लेते हैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं बताने के लिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, इधर भी पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर हम ये भी पिस्टन है, अगर हम यहाँ पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर फोर्स का बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर फोर्स हो तो हम बोल सकते हैं कि इस पे एरिया पे प्रेशर पी लग रहा होगा, ठीक है, अगर हम यहाँ से पी वन प्रेशर लगाए और इसको थोड़ा सा ऐसा डिस्प्लेस करें होंगे तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट आया होगा इसका, ठीक है, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम हम बोल रहे हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट आया होगा हम यहाँ पे चलो फोर्स के टर्म में यहाँ पे हम डीएक्स डिस्प्लेसमेंट लिखे हैं,
ठीक है, तो ये यहाँ पे हम फोर्स एफ वन लगाए, यहाँ से डी एक्स वन डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल माने हैं, तो डी एक्स टू डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, यहाँ पे कुछ इसके पास प्रेशर या फोर्स बोलो एफ टू लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि वर्क डन, एनर्जी जो वर्क डन के भी टर्म में लिखते हैं, वर्क डन बाई एफ वन लिख सकते हैं हम एफ वन इंटू डी एक्स वन, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम प्रेशर के टर्म में बात करें, ठीक है, तो इसका अगर एरिया जो है ए वन एरिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय एरिया, एरिया नहीं अभी रहने देते हैं, एफ वन को लिख सकते हैं पी वन इंटू ए वन डी एक्स वन, ठीक है। तो यहां से ए वन इंटू डी एक्स वन ध्यान से दिख रहा है, तो हमको वॉल्यूम दिख रहा है, तो वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिख दें तो हमको दिख रहा है ये जो प्रेशर है उसी के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि ये जो एनर्जी आया, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर एनर्जी, ठीक है। ये क्या है कि वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अगर वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको प्रेशर एनर्जी बोलते हैं, और हम को ये दिख रहा है कि न्यूमेरिकली या जैसे भी है इट इज इक्वल टू प्रेशर एट दैट पॉइंट, ठीक है। उस पॉइंट पे कितना प्रेशर लग रहा है उसी के बराबर है, ठीक है। तो प्रेशर एनर्जी अगर हम बोल रहे हैं तो किसी भी पॉइंट का अगर बात कर रहे हैं तो उस पॉइंट का प्रेशर के बराबर ही, और इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं तो वर्क डन बाय डेड प्रेशर या फिर वहां पे जो भी नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा उसकी वजह से, वर्क डन बाय प्रेशर एट डेड पॉइंट, वो भी पर यूनिट वॉल्यूम। तो तीनों चीजें हम लोगों ने देखा कि तीन चीज यहाँ पे तीन एनर्जी हम लोग को लगता हुआ दिखता है, और वो तीन एनर्जी कौन कौन से हैं, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, तीनों में हम लोग पर यूनिट वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम में काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रो जी एच, एंड प्रेशर के लिए डायरेक्ट पी लिख सकते हैं, प्रेशर एनर्जी प्रेशर एट डेड पॉइंट। तो यहां से अगर हम बर्नौली का बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, एक ऐसा हम ठीक है ऐसा एक ट्यूब है जिसमें ये फ्लूइड बह रहा है, ये हम मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है, ये हाइट जो है ट्यूब का जो थिकनेस है वो हाइट हम एच वन यहीं पे मान रहे हैं, यानी कि ये जो इसका थिकनेस है डायमेंशन है इस हाइट के कंपैरिजन में बहुत कम है, ठीक है। यानी कि यहाँ लो या फिर यहाँ लो, यहाँ लो, सबका एच टू हाइट ही है, यहाँ एच वन है तो सबको हम एच वन ही बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस ट्यूब का जो रेडियस है इस हाइट एच वन के टर्म में नेग्लिजिबल कर सकते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो प्रेशर लग रहा है पी वन लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर इस डायरेक्शन से पी टू लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी मास है थोड़ा डिस्प्लेस हुआ होगा, यहाँ पे मान लेते आ रहा है यहाँ वाला पोर्शन इसमें इधर आगे की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि सारे एनर्जी का चेंज क्या क्या है, ठीक है। तो यहां से हम बोल रहे हैं हियर वर्क डन बाय प्रेशर, अगर वर्क डन बाय प्रेशर लिखेंगे तो ध्यान से देखो क्या दिखेगा हमको, दोनों जगह डिस्प्लेसमेंट तो सेम नहीं होगा,
यहाँ से अगर हम देखेंगे वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम का अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट P1 लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम ऐसे जनरली भी लिख के लास्ट में वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर वर्क डन हम लिखेंगे P1 से, तो ध्यान से देखें तो यहाँ से अगर ये डेल्टा वी चला है, यानी कि डेल्टा वी ये वॉल्यूम है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P1 into डेल्टा वी, ठीक है। और यहाँ पे ये P2 इधर की तरफ लगा है और यहाँ डेल्टा वी सेम अमाउंट चला होगा, ठीक है। अगर हम सेम मास का बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से अगर बात कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर डेल्टा भी मूव कर रहा है तो यहाँ भी वॉल्यूम डेल्टा वी ही मूव करा होगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम कह सकते हैं, क्योंकि रो इंटू वी जो होगा मास होगा, तो मास यहाँ का और इस एंड का सेम होगा, तो हम यहाँ से डेल्टा वी को सेम कह सकते हैं। तो सिंस हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर टाइम डेल्टा टी वॉल्यूम मूव्ड डेल्टा वी एट बोथ एंड विल बी सेम, दोनों एंड पे ये जो होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं P1 डेल्टा वी। P2 का अगर देखेंगे तो P2 उल्टा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में है, तो माइनस P2 डेल्टा वी, ये वर्क डन बाय प्रेशर आए। वर्क डन बाय अगर ग्रेविटी का बात करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं, मास दोनों के लिए सेम है, तो लिख सकते हैं डीएम जी H2 माइनस H1, वॉल्यूम के टर्म में रो जी H2 माइनस H1 इंटू डेल्टा वी, दोनों जगह तो मास सेम ही है। काइनेटिक एनर्जी, अच्छा अब यहां से हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हम पहले लिख लें, तो लिखेंगे क्या, हाफ, दोनों जगह मास सेम है, V2 स्क्वायर माइनस V1, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू डेल्टा V। ये चीज तीन चीज हमको दिखा, वर्क डन बाय प्रेशर, वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से होता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बस अब लिख देना है, ध्यान से देखो तो ऊपर वाला देख रहे हैं, ध्यान से P1 माइनस P2 डेल्टा भी कॉमन ले लिए, प्लस यहां से लिखेंगे तो रो जी H1 माइनस H1 डेल्टा वी, यहां से लिखेंगे हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी कट गया, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो 1-1 वाला एक साइड और दी वाला दूसरे साइड, लिखो इसको, देखो क्या आ रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि तीन तीन एनर्जी यूज हो रहा है, तीन एनर्जी में एक तो प्रेशर एनर्जी है, एक दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि वेलोसिटी है, मास से मूव कर रहा है तो उसका एनर्जी है, और जो कि हाइट है तो एक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो ये तीन एनर्जी हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से हमको वर्क डन दिख रहा है, यहां से देखे तो इस चीज को दिख रहा है P1 डेल्टा वी, यहां से
चेंज इन वर्क डन इट ठीक है तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? अच्छा हाँ यहाँ पे ध्यान दो, लग रहा है गड़बड़ कर रहे थे। वर्क डन बाई ग्रेविटी लिख रहे हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का निगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ से वन वाले को एक साइड रखेंगे तो यहाँ से दिख रहा है रो जी एच वन, इधर से प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर इक्वल टू पी टू प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो वी टू का स्क्वायर। तो यहाँ से दिख रहा है हमको किसी भी पॉइंट के लिए पी प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो होगा ये कांस्टेंट होगा। यही जो इक्वेशन है हमारा बर्नौली इक्वेशन। ठीक है यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन हमको क्या दिख रहा है कि p प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि फॉर स्ट्रीम लाइन फ्लो अगर कभी भी पाइप में जो पानी बह रहा है तो हमको दिखेगा कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम देखेंगे तो इन तीनों का सम इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पे देख रहा है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है। ठीक है तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि सम ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये चीज हमको क्या दिख रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो है वो कंजर्वड है। ठीक है इस प्रिंसिपल का बहुत सारा इफेक्ट है। तो एक चीज देख रहे हैं कि इफ फ्लो इज एट सेम लेवल, ठीक है सेम लेवल पे होगा तब क्या होगा जो एच का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा, यानी कि अगर हम बोलें कि ऐसा है ठीक है सेम ही लेवल पे मान लेते हैं कैसे बह रहा है पानी या कुछ भी, ये भी एच वन है ये भी एच ही है सेम लेवल पे है तो डिफरेंस लिखेंगे तो यहाँ से एच टू माइनस एच वन कैंसल आउट हो जाएगा, पी वन माइनस पी टू इजकल टू हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर रह जाए। तो उस केस में हम लिख सकते हैं कि इन दिस केस पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो होगा ये कांस्टेंट हो। ठीक है एच जो है सेमी है तो उसको हम क्यों कंसीडर करें, क्योंकि डिफरेंस अगर लिखेंगे तो सेम रहना ही रहना है, तो पी स्क्वायर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो प्रेशर और वॉल्यूम में क्या वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। ठीक है अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी क्या होगा कैसे होगा क्या डिफरेंस होगा। यहां से हमको दिख रहा है पी प्लस यानी कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर जो है कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट होगा एरिया कैसा भी रहे। ठीक है हम लोग ये आर्बिट्री शेप लो बस हम लेवल सेम करना चाह रहे हैं एक ही लेवल पे एक ही हाइट पे है। ठीक है हाइट डिफरेंस नहीं है तो हाइट डिफरेंस नहीं है तो यहाँ का भी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा यहाँ का भी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा चेंज जीरो हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज है नहीं इसलिए उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है तो यहाँ से हमको जो इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब अगर हम मान लेते हैं एक इक्वेशन लेते हैं पी और वी में रिलेशन निकालने के लिए ऐसा, ठीक है ऐसा कुछ ले रहे हैं एरिया डिफरेंस मानकर, ठीक है इसमें पानी ऐसा बह रहा है ठीक है ऐसा कुछ बह रहा है, यहाँ का एरिया ए वन है यहाँ का एरिया ए टू है, यहाँ वेलोसिटी वी वन है यहाँ वेलोसिटी वी टू है, यहाँ प्रेशर पी वन है यहाँ प्रेशर P2 है। ठीक है तो अगर हम देख रहे हैं A1 is greater than A2
इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से बोलेंगे v2 इज ग्रेटर देन v1, सेम लेवल पे है, ठीक है। अब प्रेशर में हम क्या रिलेशन दे रहे हैं, तो हमको दिख रहा है p प्लस हाफ रो v स्क्वायर जो है कांस्टेंट, ये चीज कांस्टेंट होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि v1 v2 की जगह v2 ज्यादा है, ठीक है, v2 अगर बहुत ज्यादा है तो उस समय p1 को कम होना पड़ेगा, दो चीज का सम जो है कांस्टेंट है, एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा को कम होना पड़ेगा, ठीक है। सेम लेवल का हम बात कर रहे हैं, तो सेम लेवल पे अगर हम ये कांस्टेंट है तो यहाँ से हमको ध्यान से दिख रहा है कि इफ वी इंक्रीजेस, अगर वी को बढ़ाते हैं कांस्टेंट रखने के लिए देन पी शुड बी डिक्रीज्ड, ठीक है, यानी कि पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है, रो जो है हमारा डेंसिटी है वो चेंज होगा नहीं, तो अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट बोल रहे हैं डिक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि दो चीज का सम कांस्टेंट है, यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं कि P2 जो होगा विल बी लेस देन P1, यानी कि यहां से हमको क्या रिलेशन मिल रहा है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, इस चीज को हम कंसीडर कर सकते हैं कि भी तो दोनों प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में क्यों है, अपोजिट जैसे ओपन अगर सरफेस माने हैं तो यहाँ पे प्रेशर इधर की तरफ लग रहा होगा, इधर से इधर लग रहा होगा, इसलिए हम अपोजिट मान लिए हैं। प्रेशर कौन लगा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, बाहर जो भी प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है, तो ओपन एंड माने हैं तो बाहर से प्रेशर हम मान लिए हैं, हो सकता है अगर निगेटिव आएगा नेट प्रेशर तो डायरेक्शन चेंज भी हो सकता है, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ज्यादा एज्यूम कर रहे हैं तो इसलिए उधर डायरेक्शन दे रखे हैं, ये चीज है। इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है, सबसे पहला तो हम यही बोल रहे हैं, देखे होगे जब आंधी तूफान आता है तो घर का जो करकट का बना हुआ छप्पर होता है उड़ जाता है, ठीक है, क्यों उड़ता है, ऐसा मान लेते हैं घर बना हुआ है, झुग्गी झोपड़ी है ये सब रहता है तो ऊपर घास फूस का जो भी रखे रहते हैं या फिर करकट रहता है, तो अगर आंधी आता है तो ये छत उड़ जाता है, क्यों उड़ता है, कैसे उड़ता है बताओ, वेलोसिटी के चलते वहां का प्रेशर कम हो जाएगा, फिर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा इसलिए ऊपर आ जाएगा, ठीक है, जैसे अगर हवा ऐसे जा रहा है, हवा ऐसे तेजी से जा रहा है, कभी भी देखे होगे ऐसे अगर जनरली हम लोग को दिखना चाहिए तो क्या लगता है कि इस साइड वाला जो लेफ्ट साइड वाला छप्पर है उसपे तो हवा ऊपर से प्रेस कर रहा है लेकिन उड़ता वही है, इधर वाला नहीं उड़ेगा इस डायरेक्शन में अगर हवा चल रहा है। होता क्या है कि नॉर्मली जब आंधी तूफान नहीं आया था तो प्रेशर ऊपर नीचे सेम था, लेकिन यहाँ का अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी बढ़ गया तो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो घट गया होगा और नीचे का प्रेशर तो उतना ही था, तो हमको क्या दिख रहा है कि अंदर का प्रेशर पी नॉट जो है ग्रेटर देन पी हो गया, तो इस पे फोर्स जो है ऊपर ऐसा नेट फोर्स लग रहा होगा और ये जो है छप्पर उड़ के कहीं और चला जाता है, ऐसा लगता है कि हवा आ रहा है तो इसको उड़ना चाहिए, इसको तो ऊपर से दबाव मिल रहा है तो नहीं उड़ना चाहिए, लेकिन होता ही, ठीक है। सेकंड, अगर स्टेशन ये सब पे गए होगे और वहां पे राजधानी ये सब जो फास्ट ट्रेनें आ रही होती तो बोला जाता है कि कृपया दूर ही रहे नहीं तो अंदर खींच लेगा, ठीक है, तो रीजन यहाँ भी वही होता है कि ट्रेन जब आया, ठीक है, ट्रेन आया ये प्लेटफॉर्म है मान लेते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं, तो ट्रेन आके जब चला गया तो जैसे वहां से पार किया होगा तो वहां का हवा जो होगा वो साथ लेके चला गया, तो वहां पे प्रेशर कम हो गया होगा, यहाँ से एयर रिमूव कर दिया
तो यहाँ का प्रेशर घट गया होगा, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा, तो हवा जो है बाहर वाला इधर हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ आना चाहेगा, अगर हम रास्ते में आएंगे तो हमको भी लेके चला जाएगा, इसलिए बोला जाता है कि दूर ही रहें। थर्ड, ठीक है, अभी आईपीएल सीजन चल ही रहा है तो हम लोग स्पिन करना सीख ही लिए थे, अब स्विंग करना देखते हैं। स्विंग का ये भी देख लेते, यहाँ पे भी वही चीज है, स्विंग करना सीख चुके हैं। क्या स्विंग करना सीख चुके थे पहले? हाँ ठीक है, तो यहाँ भी वही पता है कि वहाँ भी ऐसे ही बताए थे कि प्रेशर डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे भी देखो तो बर्नौली है, ये जो है रफ सरफेस है, इधर जो है प्लेन सरफेस है। अगर हवा आएगा तो हवा जो होगा इधर निकलेगा और इधर, तो इधर का वेलोसिटी जो होगा वो ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, इधर का प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा, यानी इसको P1 बोल रहे हैं, तो ग्रेटर देन P1 होगा, तो जो है इधर से फोर्स ज्यादा लगेगा, तो राइट साइड से फोर्स ज्यादा लग रहा है तो बॉल लेफ्ट साइड में घूम जाएगा, ठीक है। ये सारे केसेस जो डिस्कस हो पा रहे हैं वो सब किसके ऊपर बेस्ड हैं, तो बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर ही, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, और एक था मैग्नस इफेक्ट, नाम सुने हो? हाँ एक बार सुने हैं, बहुत पहले। ठीक है, मैग्नस इफेक्ट में जैसे कि बॉल हो गया, ठीक है, बॉल को अगर हम लोग घुमा के फेंक देते हैं, ऐसे ही लेते हैं कैसे, ठीक है, बॉल है, अगर हम सीधा सीधा फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन से जानते हैं कि भी इसे फेंकेंगे तो यहाँ आके गिरेगा, इसका कुछ रेंज आ रहा होगा, लेकिन अगर हम इसी बॉल को यहीं से इसको अगर हम ऐसा रोटेट कर दिए होते, ठीक है, रोटेट भी कर रहा होता और वी वेलोसिटी से भी आगे फेंकते, तो देखते क्या दिखता हमको कि इस पॉइंट ऐसा है, ऐसा ये ओमेगा है, वी इधर है, तो इस पॉइंट पे देखेंगे तो इधर ओमेगा आर, इधर वी, इस पॉइंट पे इधर ओमेगा आर प्लस वी, हेलो, हाँ सर अभी क्लास ले रहे हैं, ठीक, ठीक है, तो यहाँ का दिख रहा है कि नीचे वाले पे वेलोसिटी जो है कम है, यहाँ का वेलोसिटी ज्यादा है, तो प्रेशर ऊपर कम लग रहा होगा, नीचे ज्यादा लग रहा होगा, तो अगर हम ऐसा घुमा के फेंकेंगे तो दिख रहा है कि यहाँ से जो बॉल है इसमें नीचे से जो प्रेशर लग रहा होगा P1 और ऊपर से ऐसा प्रेशर अगर लग रहा होगा P2, तो हमको दिख रहा है कि वेलोसिटी इसका कम है, ये V1 हम बोल देते हैं इसको V2, तो V1 इज लेस देन V2 है, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 है, तो बॉल पे ऊपर की तरफ प्रेशर लग रहा है तो यहाँ नहीं जाके वो इधर कहीं गिरेगा, ठीक है, तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग मैग्नस इफेक्ट है, गिरना यहाँ था लेकिन गिरेगा वो यहाँ, वही इसको उल्टा रोटेट कर दिए होते, ठीक है, यही बॉल था इसको हम ऐसा ओमेगा दिए होते, वेलोसिटी इधर होता, ध्यान से देखो कि इस केस में इस पॉइंट पे भी वन, इस भी टू, इस पॉइंट पे भी वन, तो इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो इधर ओमेगा आर प्लस वी, इसमें इधर ओमेगा आर और इधर वी, तो वी वन इज ग्रेटर देन वी टू, तो पी वन इज लेस देन पी टू, यानी कि इस केस में प्रेशर ऊपर से लगता, और इस थर्ड केस में इस केस के लिए हमको दिखता कि ये बॉल वहां नहीं जाके यहीं पे आ जाता, ठीक है, क्या आर और डैश का डिलीट ढूंढ सकते
मैग्नीट्यूड दिया रहेगा तो उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल हम लोग को नहीं देता है, कॉम्प्लिकेशन ज्यादा कैलकुलेशन हो जाते हैं, रोटेशन भी आ गया, ये भी प्रोजेक्टाइल भी हो गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। बाकी अगर ओमेगा दिया रहेगा तो कितना प्रेशर लग रहा है उस हिसाब से हम इस चीज को बता सकते हैं कि कितना कम पहले गिरेगा, ठीक है। इस चीज को बोलते हैं हम लोग मैग्नस इफेक्ट। तो सारे केसेस जो है डिस्कस हो रहे हैं यहाँ पे सारे बर्नौलीज थ्योरम के ऊपर ही है, और जो बोले स्प्रिंकलर वो भी इसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा, प्रेशर डिफरेंस। तो उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज करते हैं, वेंटिवरी मीटर उसको बोलते हैं हम लोग अपने टर्म में, ठीक है, तो कैसे वर्क होगा उस चीज के बारे में देखेंगे। तो ये था हमारा कि बर्नौली प्रिंसिपल, तो बर्नौली प्रिंस थ्योरम के बात कर रहे हैं, तो बर्नौली थ्योरम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और देख रहे हैं कि अगर लेमिनर फ्लो हो रहा है तो किसी पॉइंट सम ऑफ जो तीन एनर्जीज आ रहे हैं हमको मिल रहे हैं, यानी कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तीनों के सम पर यूनिट वॉल्यूम में लिखे हैं वो कॉन्स्टेंट रह रहे हैं, वॉल्यूम से मल्टीपल भी कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, यानी कि एनर्जी जो है कॉन्स्टेंट है। फिर अगर सेम हाइट पे है तो रो पी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर लिख सकते हैं, हाफ रो भी स्क्वायर, यहाँ से वी टू और वी वन में रिलेशन दिख गया कि जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां का प्रेशर कम लग रहा है, और इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। ये ट्रेन वाला था, ठीक है, स्विंग ऑफ बॉल भी वैसा ही है, मैग्नस इफेक्ट और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये दो तीन चार इफेक्ट जो है उसको हम लोगों ने एक्सप्लेन करा, ठीक है। और पांचवा टॉर्च, ठीक है, पिटॉर्च ट्यूब बोलते हैं, ये जो होता है एक ट्यूब ऐसा शेप का होता है, ऐसा शेप का एक ट्यूब होता है, इसमें लिक्विड हम भरे होते हैं, कोई एक लिक्विड है इसमें, मान लेते हैं कि इसका डेंसिटी रो है। इसी चीज को अगर हम किसी भी मान लेते हैं कि फ्लो हमको निकालना है, ठीक है, पानी का फ्लो अगर हमको फाइंड करना होता है तो हम लोग इस चीज का यूज कर लेते हैं, कैसे, टू फाइंड स्पीड ऑफ या वेलोसिटी बोल सकते हैं फ्लूइड, ठीक है। अगर हम लोग को फाइंड स्पीड ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का स्पीड अगर फाइंड करना है तो हम लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मान लेते हैं कि ये हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है कुछ भी वेलोसिटी से, इस ट्यूब को हम यहाँ पे ऐसे लगा दिए, ठीक है, ऐसे हम इसको पुट कर दिए। ये जो लेंथ है ये लगभग सेमी है, ठीक है, ये डिस्टेंस ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग सेमी लेवल पे है। अब इसमें से ऐसा पानी इन गया होगा और इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, इसको यहाँ से प्रेशर अप्लाई करा होगा और ये ऊपर की तरफ कुछ चढ़ गया होगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ गया, यहाँ से हाइट डिफरेंस आ गया एच का, ठीक है। तो ये लेवल सेम ही लेवल पे है, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का
अगर इसको बोल रहे हैं बी पॉइंट, इसको बोल रहे हैं ए पॉइंट, तो प्रेशर एट ए जो होगा प्रेशर एट बी होगा, सेम लेवल पे है, ठीक है। और यहाँ का वेलोसिटी, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ जैसे लगभग ऐसे सीधा सीधा जा रहा है, यहाँ का वेलोसिटी हम लोग को क्या दिख रहा है, यहाँ का वेलोसिटी मान लेते हैं कि इधर भी कुछ है, यहाँ पे ये जो पानी है या फिर जो भी लिक्विड है तो उसको नीचे की तरफ आ रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका कोई स्पीड नहीं है, ये आके बस प्रेस कर रहा है, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमको दिख रहा है कि जीरो है। तो अगर अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे पी ए प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस डिफरेंस ले लेते हैं रो जी एच वन इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। ये तो दोनों सेम ही है, कट गया, ये जीरो ही है। यहाँ से हमको दिख रहा है रो जी एच टू माइनस एच वन जो कि हो जाएगा रो जी एच इक्वल टू हाफ रो वी बी का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वेलोसिटी एट पॉइंट बी लिख सकते हैं, अंडर रूट टू जी एच, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसमें वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर कोई भी फ्लूइड अगर किसी भी तरीके से बह रहा है, तो पानी अगर बह रहा है पाइप में, तो हम लोग अगर वहाँ पीटर ट्यूब यूज कर लेंगे तो हम निकाल सकते हैं। मोस्टली ये जो पीटर ट्यूब है ये ओपन सरफेस के लिए है, जैसे नदी में पानी बह रहा है तो कितना स्पीड से बह रहा है, तो वहां पे हम लोग इसका यूज कर लेते हैं मेजर करने के लिए, ठीक है। तो पीटोट ट्यूब होता है कैसा, ट्यूब टाइप का होता है, उसमें लिक्विड रखते हैं, सिंपल सा वर्किंग है इसका। तो इधर से जो लिक्विड गया इनमें प्रेस करा होगा, तो जो अंदर लिक्विड इसमें हम भरे हैं इसका जिसका रो है, ठीक है, तो इसमें हाइट डिफरेंस आया, ठीक है। अच्छा एक चीज और, VA जीरो कैसे हुआ? PA जीरो नहीं हुआ, ये दोनों सेम लेवल पे है, तो PA PB के बराबर होगा ना, इसी सेम लेवल VA। यहाँ से जो पानी आया इस ट्यूब में नीचे की तरफ आ गया है, तो पानी जो है इसको प्रेस करा होगा आगे की तरफ, वो फ्लो किया है, बताओ। ऐसे ऐसा ट्यूब है, ठीक है, इसमें से पानी इन करा, ये इधर की तरफ आया और इसको प्रेस करा, तो इसमें तो फुल हो गया। यहाँ पे इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी है, पानी तो भर गया होगा, तो वहां का भी वेलोसिटी क्या हो गया होगा, बोलो। इसमें पानी भर जाएगा तो यहाँ पे जो जो भी लिक्विड इसको प्रेशर दे रहा होगा उसका क्या होगा, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ये थिकनेस बहुत कम होता है, तो यहाँ से पानी अंदर नहीं जा रहा होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ भी कंफ्यूजन हो रहा होता है कि दूसरे एंड पे देख रहे हैं कि ऐसा ओपन है, पानी ऐसा फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर नहीं जाता है। तो चूंकि ऊपर वाला जो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि स्पीड ये बहुत कम होता है, इसलिए वो अंदर नहीं जा पाता है। देखे होगा कि गैस सिलेंडर ये सब होता है तो उसमें छेद देता है, नीचे जो रहता है एक छेद रहता है, लेकिन उससे कभी निकलता नहीं है गैस, इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि उस थिकनेस उसका जो छेद रहता है बहुत पतला होता है और गैस का स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो नीचे एटमोस्फेरिक प्रेशर उससे, क्योंकि यहाँ का स्पीड बहुत ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू यहाँ का, ठीक है। तो प्रेशर डिफरेंस है, इस वजह से नीचे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ऐसा अगर यूज करें तो इसको लिख सकते हैं। एक चीज और कि हम यहाँ पे नीचे वाले ट्यूब में सेम रो मान लिए हैं, में भी हो सकता है कि दोनों लिक्विड अलग अलग हो, यहाँ पे रो वन दे दे, इसको रो टू बोल दे, कुछ भी दे, तो इक्वेशन में वैसे ही हम लोग चेंज कर लेंगे। पी ए पी बी में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे इसका कोई फर्क नहीं है। रो जी एच वन यानी कि यहाँ पे ये जो लिख रहे हैं ये रो वन के लिए लिखेंगे, ठीक है,
तो अगर रो वन रो टू के केस में लिखते तो ये और ये वाला वैल्यू, ठीक है, यहाँ से रो वन इसके लिए हाइट चेंज है तो वहां पे रो वन हो जाएगा और सेकंड में यहाँ पे रो टू ही रहेगा। तो रो वन रो टू के टर्म में कर ही देते हैं, इसको रो वन लिख देते हैं, इसको रो टू लिख देते हैं। जनरलाइज ही फॉर्म रहेगा, अगर सेम दिया रहेगा तब तो कोई बात ही नहीं है। तो ये आ जाएगा रो वन ठीक है, दोनों में अगर लिक्विड अलग अलग रहा, ठीक है, लिक्विड मोस्टली जगह अलग लेने से क्या फायदा होता है, इन अगर इन इमिसिबल लिक्विड है तो ज्यादा अच्छा रहता है कि इमिसिबल है, वो आएगा प्रेस करेगा, इस तरीके से हम लोग इसका फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आया हमारा, अगर हम बोल रहे हैं कि अगर कोई भी पिट आउट ट्यूब है तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग इस चीज का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग यूज करते हैं वेंटुरी मीटर, ठीक है, वेंटुरी मीटर डिवाइस यूज टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूइड, स्पीड मेजर फ्लो ऑफ स्पीड का बात हो रहा है, स्पीड या वेलोसिटी बोलो, इन पाइप्स, ठीक है। ये एक वेंटुरी मीटर जो होता है, अगर किसी पाइप में अगर हमको मेजर करना होता है तो वहां पे हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। इसका शेप जो होता है इस तरीके का होता है, इस सिप का होता है, ठीक है, इसका एरिया ए वन है, इसका भी एरिया ए टू, ठीक है। ये जो एरिया यूज करते हैं, एरिया ऑफ पाइप, जिस पाइप में हम लोग को फिट करना होता है उस एरिया में यूज करते हैं, यानी कि ऐसा अगर हम इधर वाला जो भी पोर्शन है ऐसा एरिया लेते हैं कि इसका एरिया जो है पाइप का एरिया के बराबर हो, ये एरिया ए टू है, ठीक है। अब इसमें का यूज क्या होता है, यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, ऐसा पानी फ्लो कर रहा है, पानी फ्लो करेगा, अच्छा ये ए वन ही है, ठीक है, ये पाइप था जिसमें अगर हमको पानी फ्लो करना है, उसमें मेजर करना है, तो दोनों साइड वाला उसी पाइप के बराबर का एरिया होता है, उसमें हम फिक्स कर देते हैं, बीच में काट के हम फिक्स कर दिए, तो पानी जो है इधर से फ्लो करा, इस एरिया से होते हुए इधर तरफ पास कर जाएगा, यहाँ पे चढ़ेगा तो पानी इधर भी हाइट पे आएगा, इधर भी कुछ हाइट तक जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है, तो वेलोसिटी एट ए और वेलोसिटी एट बी में अगर हम बात करेंगे तो ए का ज्यादा होगा, क्योंकि एरिया एरिया जो है हमको क्या हुआ, एरिया ए का छोटा है, हाँ एरिया इनवर्स प्रोपोर्शनली होता है तो हम लोग बोल सकते हैं। तो वी ए को हम स्मॉल वी लिख देते हैं, इसको स्मॉल वी और इसको यहाँ पे वी,
तो एक रिलेशन हमको क्या मिलेगा कि v इंटू ए टू इक्वल टू v इंटू ए वन मिलेगा। यहाँ से हम स्मॉल भी लिख सकते हैं v ए वन बाई ए टू। हमारा पर्पस क्या है, ये कैपिटल v को फाइंड करना, ठीक है। तो ये भी हमको मिल गया v ए वन बाई v टू, ए टू दोनों अननोन ही है। अब अगर हम देखें तो यहाँ का VA का प्रेशर ज्यादा, VA का वेलोसिटी ज्यादा है, तो प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी का बात करेंगे तो इनवर्स है, तो उल्टा होगा। तो यहाँ से अगर हाइट ऑफ देखेंगे तो यहाँ प्रेशर कम है तो कम हाइट तक गया होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा हाइट तक गया होगा। मान लेते हैं डिफरेंस जो है एच का है, सेमी लिक्विड है, एच हाइट डिफरेंस है। तो बस यहाँ से अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ थ्योरम क्या लिख सकते हैं, हाइट तो सेम ही है तो लिख सकते हैं ए प्लस हाफ, नहीं हाइट सेम नहीं है, हाफ रो ए भी ए स्क्वायर प्लस इसको हम एक ही साथ लिख देते हैं pb प्लस हाफ रो vb स्क्वायर प्लस रो g h, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट डिफरेंस ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम डायरेक्ट देखो ध्यान से, एक मिनट रुकना, बारिश आ रहा है। ठीक है, ये जिसको ध्यान रखना है कि हम डिफरेंस डायरेक्ट लिखे हैं, अब हम ए और बी पॉइंट दोनों सेम लेवल पे लिखे हैं तो प्रेशर इक्वल होगा, तो पी ए इक्वल टू पी बी है, सेम लेवल पे है तो ये तो कट गया, ठीक है। तो रो से रो भी कट गया, भी ए हमको पता है कि ये है वी ए वन बाई ए टू का होल स्क्वायर, वी स्क्वायर प्लस जी एच, ठीक है। हमको वी फाइंड करना है तो हम लिख सकते हैं इसको v स्क्वायर कॉमन ले लिए, a1 वन बाई ए टू का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टू जी एच आ जाएगा, माइनस वन आएगा, ठीक है। तो v का वैल्यू हमको आ गया सारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा वेलोसिटी, तो सिंपलीफाई नहीं होगा हाँ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो के टर्म में ज्यादा अच्छा रहता है, पर निकाल लिए फिर ऊपर ए टू का स्क्वायर चला जाएगा, ठीक है। फिर बाहर चला जाएगा, क्या बाहर चला जाएगा, हाँ ए वन बाहर चला जाएगा, कर सकते हो बाकी बाकी इस चीज को सिंपल केस में यूज कर सकते हो, ठीक है। ए वन बाई ए टू है तो उसका रेशियो है, बस ध्यान रखना है ए वन ए टू क्या है ये ध्यान रखना है, ठीक है। A1 हम किसको ले रखे हैं, पाइप का, A2 है ये छोटे वाले रीजन का, तो ये सेंटीमीटर होता है। अगर किसी पाइप में पानी अगर फ्लो कर रहा होता है
तो उसमें अगर हमको मेजर करना होता है तो बीच में हम कट करके इस चीज को लगा दिए, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं कि उसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं कि बर्नौलीज प्रिंसिपल पे ही। आगे और भी कुछ चीजें देखेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को यूज करते हुए। नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे क्या यूज करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इस सब में तो और एक से दो लेक्चर लगना चाहिए फिर खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी दोनों में से कोई एक करेंगे, सरफेस पर कर लेंगे तो फिर विस्कोसिटी। आज इतना ही रहने देते हैं, इसको एक बार रिवीजन करना। क्या बुकलेट मिल गया है इसका? अच्छा, मिल गया है, ठीक है, तो उसको भी बनाना शुरू कर दो, क्योंकि भी हम लोग का चैप्टर खत्म होने वाला है, समझ जाओ ना। मुश्किल से बर्नौलीज में और एक से डेढ़ दो लेक्चर लगेगा, और फिर सरफेस टेंशन में दो लेक्चर, विस्कोसिटी में एक, यानी कि 5 से 6 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं, एंड कर रहे हैं। बता दीजिए कौन सा क्वेश्चन बनाना है, ग्रुप में डाल दीजिए। ठीक है, देखना पड़ेगा, हम भी देखे नहीं है, देख के बोल देंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू टू।